नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में दो दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए कहा कि 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हुआ नई टेक्नोलॉजी को देखकर अच्छा लगता है। इस ड्रोन प्रदर्शनी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में क्षमता है कि वो ग्लोबल लेवल पर ड्रोन हब बने। ड्रोन को लेकर देश में काफी उत्साह है। पीएम मोदी ने सबसे पहले इस आयोजन के लिए सभी को बधाई दी, फिर कहा कि आज उस ड्रोन प्रदर्शनी से मैं काफी प्रभावित हुआ, मेरे लिए आज बहुत सुखद अनुभव रहा। आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े सही सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं और उनको स्केल अप करने का कौशल भी हमने विकसित किया है। देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन गुड गवर्नेंस के, ईज ऑफ लिविंग के इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। ड्रोन के रूप में हमारे पास एक और ऐसा स्मार्ट टूल आ गया है जो बहुत जल्द सामान्य से सामान्य भारतीय के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़। लखीमपुर खीरी के भीरा चौकी बजुआ क्षेत्र में खेत जोत रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। जहां किसान सुबह खेत जोतने गया था, अचानक तेंदुए ने पीछे से आकर किसान पर हमला कर दिया। जख्मी हालत में किसान को भर्ती कराया गया। बता दें कि लगातार तेंदुआ ग्रामीणों को निशाना बना रहा है, जिससे ग्रामीण में दहशत का माहौल है। तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में लगातार दहशत फैला हुआ है, डर का माहौल है ग्रामीणों में। तेंदुए ने आज किसान पर, खेत जोत रहे किसान पर हमला कर दिया। संवाददाता धीरज उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, अब तेंदुए की क्या जानकारी वन विभाग को दी गई? अधिकारी मौके पर उपस्थित हुए? जी देखिए, बिल्कुल बता दो, पूरा मामला दरअसल लखीमपुर भीरा चौकी क्षेत्र का, जहां पर एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था बैलों से, वहीं पर पीछे से घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला किया, जिससे किसान जो बुरी तरह से जख्मी हुआ, जिसको ग्रामीणों की मदद से सीएससी में भर्ती कराया गया। वहीं पर कई दो हफ्तों से वहां पर तेंदुए की जो है बनी हुई है, दहशत बरकरार है पूरी तरीके से। जो वहां के वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी हैं, बराबर कामलिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वन विभाग या उच्च अधिकारियों की बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके से लापरवाही नजर आ रही है। दो हफ्ते से वहां पर तेंदुए की जो है दहशत बरकरार, कहीं ना कहीं से जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही जरूर देखी जा रही है। किसान परेशान है, दहशत में है, लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद धीरज। खबर रायबरेली से है, जो बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कार के अगले हिस्से में फंसी बाइक को 5 किलोमीटर तक घसीटा जाने का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक में पेट्रोल भराने के बाद पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था, उसी दौरान सलोन की ओर से आ रही तेज गति कार ने बाइक समेत युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक उछल कर खाई में गिर गया, जबकि बाइक कार के अगले हिस्से में फंस कर और युवक गंभीर चोट आई, जिसे हालत गंभीर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने जांच की जाट में जुट गई है।
संवाददाता अजय, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अब किस तरह से इस पर कार्यवाही की जा रही है कार चालक पर? आपको बता दें कि जो धारा होती है उस संबंधित धारा पर मुकदमा लिखा गया है और उस मामले में इनको पूछताछ की जा रही है। नसीराबाद इलाके के क्षेत्रों का है मामला कि जो पेट्रोल पंप भरा के पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर बात कर रहे थे, उसी बीच चार पहिया वाहन आती है और उसका टक्कर मार देती है जिससे वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और खाई में गिर जाते हैं। लेकिन बाइक जो बात की जाए तो 5 किलोमीटर आगे बोनट फंसने के बाद 5 किलोमीटर चली जाती है। ड्राइवर को तब पता चलता है, वो जाके कोतवाली में ही खड़ा कर देता है नसीराबाद। उसके बाद जब वहाँ लोग देखते हैं, घायल को अस्पताल पहुंचाया जाता है और उसके बाद पुलिस को अपने आप को अपने कहा जाए तो अपने आप को सरेंडर करता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अजय। अलीगढ़ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सराफा बाजार बंद करते हुए हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि थाना कुआरसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में सराफा व्यापारी की पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित सराफा ने बताया कि बीते दिन सराफा कारोबारी की पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर सराफा व्यापारियों ने बाजार बंद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हम प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे और कर रहे हैं कि उनके साथ कठोरतम से कठोरतम जो दंड दिया जाए वो दिया जाए, जिससे कि समाज में एक नया कुछ लगे कि हाँ, किसी ने कोई अगर गलत कार्य कराया उसका ये भुगतना पड़ रहा है। कितना बड़ा रोष है, मात्र 36 साल की महिला, 8 साल के बच्चा, उसे शर्म नहीं आई उन लोगों को, हत्यारों को, कि इस तरीके से हत्याकांड करना। और आप ये देखिए कि वो जो सुरेंद्र नगर है सबसे व्यस्ततम इलाका है। मुरादाबाद के मैनाठेर पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने ई कचरा चलाते हुए 9 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं पुलिस ने मौके से 120 बोरियों में भरा ई कचरा बरामद किया है, साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गांव वालों का कहना है कि काफी समय से ई कचरा जलाने का काम किया जा रहा था। लगभग 8 बजे के आसपास थाने पे सूचना मिली कि कुछ लोग ग्राम फतेहपुर खास थाना मैनाठेर में कुछ लोग ई कचरा को जला के वो वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। मौके की सूचना पाते ही थाना पुलिस की टीम, एएसपी साहब जो थाना प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में मौके पे गई और वहाँ पे ई कचरा की लगभग 40-40 केजी की 120 से 30 बोरियां जिसमें ई कचरा भरा हुआ था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में झोला छाप डॉक्टर की भरमार हो गई है। मामला थाना मलहीपुर के बीरबल कट्टी के सामने आया है, जहां ओरीपुरवा गांव का रहने वाला अमरजीत नाम युवक अपना इलाज कराने के लिए बीरबल कुट्टी स्थित पवन मेडिकल स्टोर गया था, जहां पर राजभजन नाम के व्यक्ति ने अपने आप को डॉक्टर बताकर उसका इलाज शुरू कर दिया और पेट में दर्द होने पर उसे कोई इंजेक्शन देता है, जिससे कुछ देर बाद युवक की मौत हो गई। वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कितना पढ़े हैं? इंटर फाइनल। ये मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है? लाइसेंस था, रद्द हो गया। क्या इलाज भी करते हैं? हाँ, कभी कभी कर देते हैं, कोई कोई जब इमरजेंसी। ये जो व्यक्ति मरा है ओरीपुरवा का, उसको आपने कौन सा इंजेक्शन दिया था, किस लिए वो आया था? सीने में दर्द था। अच्छा, उसके सीने में दर्द था, आपने डाइक्लो टाल दिया और बस इंजेक्शन लगाने के। अब इंजेक्शन यहाँ से लग गई, उसके बाद हमने कह दिया कि भैया ले जाओ उसको, बाबा के यहाँ ले जा रहे हैं तो हम बाबा के ले जाओ, तो बाबा के ले जाते हुए अब रास्ते में मरे या घर पे मरे, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी ये प्रकरण तो हमारे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसकी मैं संपूर्ण जाँच कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उसको कठोर से कठोर। संवाददाता प्रदीप, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब इस झोला छाप डॉक्टर पे किस तरह की आगे कार्यवाही की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में झोला छाप डॉक्टरों का मकरजाल फैला हुआ है, जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले हमने करीब एक हफ्ता पूर्व दिखाया था कि एक झोला छाप डॉक्टर सैंडविच चौराहे पे एक नाबालिग बच्चे के पैर में इंजेक्शन लगा दिया था, जिसका इलाज कराने वो परिजन वहां लखनऊ ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, नस पंचर हो गया है। लेकिन एक दूसरा मामला श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र से आया है, जहां एक बीरबल कुट्टी के पास एक मेडिकल स्टोर चला रहा था झोला छाप डॉक्टर, जहां सीने में दर्द होने पर एक युवक को
इंजेक्शन लगा दिया जहां उसकी मौत हो गई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबर अयोध्या से है जहां रुदौली पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। मुठभेड़ के में चार बदमाश पकड़े गए हैं, साथ ही अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया गया है। चारों बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। बता दें कि चारों बदमाश लूट और चोरी में वांछित चल रहे थे। अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, अपराधी बाइक पर रुदौली की तरफ जा रहे थे और मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये अपराधी किसी घटना को कारित करने के लिए रुदौली क्षेत्र में जा रहे हैं। इनके ऊपर 25,000 के इनाम भी किए हुए थे। प्राप्त जानकारी की जब टीम ने घेराबंदी की, पुलिस टीम पे इन अपराधियों ने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इसमें तीन अपराधी अवधेश, इंद्रेश और राजेश। उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ में दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया है। शहर के कुआरसी थाना क्षेत्र के सराफा कारोबारी के घर में हमला हुआ, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जहां गुरुवार की शाम कुआरसी थाना क्षेत्र के सुरेंद्र नगर सराफा कारोबारी ललित वर्मा की पत्नी और 8 साल के बेटे की अज्ञात लोगों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। साथ ही पूरे घर में सारा सामान अस्त व्यस्त था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मामला अलीगढ़ के थाना कुआरसी के अंतर्गत सुरेंद्र नगर का है। दुकान पे क्या सूचना मिली? कैसे तुम्हारे पापा जी, मतलब तुम्हारी जो घरवाली है वो मरी भी पड़ी है, मृत अवस्था में पड़ी है। बेटा? बेटे को फोन नहीं है, बेटे के चुप, बेटा वो उस कमरे में था, घरवाली यहीं पड़ी है। घर में आके आपको क्या देखने को मिला? वो वहाँ पर मरी भी मेरे को पड़ी हुई मिली है और लड़का फिर मेरे को बाद में देखा है तो अंदर मिला है। यही दोनों लोग अकेले थे? यही दोनों अकेले थे। किस तरह से आपको पता चला, मतलब किस तरह की हत्या की गई है, कुछ जानकारी मिल सकी आपको? जो घर के किचन के चाकू वगैरह थे उसी से की गई है। मृतिका के जो पति हैं श्री ललित वर्मा जी, इनके द्वारा तहरीर प्रस्तुत की गई है और उस तहरीर में इन्होंने स्पष्ट यह बात लिखी है कि इनकी अपनी पत्नी की जो बहन है अंजलि वर्मा एवं उसके होने वाले पति सोमेश चौहान, इनसे विवाद चल रहा है और इन्होंने इनके विरुद्ध जो तहरीर प्रस्तुत की है हत्या की, उपरोक्त तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं पुलिस की टीमें जो है समस्त साक्ष्यों को जुटा। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही को लेकर कई महिलाओं ने नगर निगम का घेराव कर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिला विद्या ने बताया कि पिछले 15 सालों से देवी नगला में ना ही सड़क बनी है और ना ही नालियां बनी है। नालियों का पानी सड़क पर आता है, जिससे कि इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें कि पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम सेवा भवन का है। सड़क नहीं है, नाली नहीं है। कहाँ का मामला है ये? और देवी नगरा सतपुर क्या मानवारी गली गिरी पार्क के पीछे और विधायक के दौरे गए तो विधायक ने नगर दी, मेरे कोई बस की नहीं है और हमें वोट ही नहीं है। और नगर निगम में आते हैं कम से कम 4 साल चक्कर काट रहे हैं और साल भर। संभल कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला प्रजापति ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक चाल वितरण किए। वहीं मंत्री ने कहा कि शिल्पकार अपनी आय दोगुनी करने के लिए डेकोरेट उत्पाद बनाए ताकि मार्केट में ज्यादा बिक्री हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी उत्पादों को प्रदर्शित करें, जिससे शिल्पकार अपने बनाए हुए उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं और शिल्पकार को मार्केट की डिमांड के आधार पर कार्य करना होगा। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।